स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,68,000 से ज्यादा नए मामले। ओमिक्रॉन के 4,461 मामलों की पुष्टि। 153 करोड़ से ज्यादा लगाए गए कोविड टीके। पात्र लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की प्रधानमंत्री की अपील। दिल्ली में अगले आदेश तक निजी कार्यालय, बार और रेस्टोरेंट बंद। केवल जरूरी सेवाओं वाले कामों को मिली छूट। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कड़े हुए नियम। एक हफ्ते का अनिवार्य होम क्वारंटीन आज से लागू। अमेरिका में कोविड संक्रमण का टूटा विश्व रिकॉर्ड। एक दिन में संक्रमित होने वालों की तादाद 13 लाख के पार। यूरोप में पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन के 70 लाख नए मामले। शियान और युझोउ के बाद चीन के अनयांग में भी लगा लॉकडाउन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ शामिल। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। और जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। घाटी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री यमुनोत्री धाम बर्फ से ढके। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। देश में कोविड संक्रमण की रफ्तार ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में 1,68,063 नए कोविड केस दर्ज किए गए। हालांकि आज कोरोना वायरस संक्रमितों के नए मामलों में 6.5% की कमी देखने को मिली। नए मामले सामने आने के बाद से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,58,75,790 हो गए। एक्टिव मरीजों की बात करें तो उनकी तादाद 8 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 69,959 लोग कोरोना से ठीक हुए। बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 3,45,00,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 10.65% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 8.85% है। कोविड 19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 96.36% हो गई है। देश में कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और आज आए नए मामलों के बाद देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 4,461 पर पहुंच गए। ओमिक्रॉन के 428 नए केस दर्ज किए गए, जबकि सोमवार को 410 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। संक्रमितों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र अभी भी शीर्ष पर है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामले 1,247 हैं। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा केस हैं। यहां पर ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 645 हो गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो कुल मरीजों की संख्या 546 है। कर्नाटक में 479, केरल में 350, उत्तर प्रदेश में 275 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 1,711 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। देश में कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरों के बीच कोविड टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। देशव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 153 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 92 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। अब तक देश में 60% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं बूस्टर डोज अभियान के पहले दिन ही कल 10,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। वहीं अब तक 2,62,00,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उन सभी लोगों से कोविड प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की है जो इसके पात्र हैं। देश में प्रिकॉशन डोज लगाना शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने उन सभी की सराहना की जिन्होंने टीके लगवाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड 19 से लड़ने में टीकाकरण सबसे ज्यादा और कारगर तरीका है। प्रधानमंत्री ने रविवार को देश में कोविड 19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति व्यवस्था की चल रही तैयारियों, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार और इसके जन स्वास्थ्य प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। कोविड 19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज डिजिटल माध्यम से देशभर के विशेषज्ञ चिकित्सकों से कोविड 19 की स्थिति पर चर्चा की और उनके सुझावों को सुना। उन्होंने कोविड 19 परिस्थितियों को लेकर देशभर के 120 विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा नागर हवेली और दमन दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों और सूचना आयुक्तों के साथ कोविड 19 के प्रसार को रोकने की तैयारियों और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए बैठक की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बजट सत्र के पहले संसद में साफ सफाई और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संसद के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वो सभी अभी स्वस्थ हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं, उनकी देखभाल की जा रही है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए संसद में सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आने वाले बजट सत्र की व्यापक तैयारियां की जा रही है। कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना हो, इसके लिए समस्त आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। हमने दोनों सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि सारी व्यवस्थाओं को देखे और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आवश्यक इंतजाम करें। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा देखते हुए पाबंदियां जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने अब छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिसों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जो प्राइवेट ऑफिस अब तक 50% कार्य क्षमता के साथ काम कर रहे थे, उनसे अब घर से काम करने की प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है। शहर के सरकारी कार्यालय अभी तक 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के तहत शहर के रेस्टोरेंट और बार बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। रेस्टोरेंट को घर पर भोजन पहुंचाने की सुविधा देने की अनुमति फिलहाल है। इसके अलावा लोग रेस्टोरेंट से पैक कराकर भोजन ले जा सकते हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। कोरोना केस बढ़े तो राजधानी में लॉकडाउन की आशंका बढ़ने लगी। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगा से इम्यूनिटी बढ़ती है। जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए प्राणायाम और योगा की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे, ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक एक पेशेंट को से बात कर सके, एक एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर नजर रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके।
देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने प्रतिबंध अब और भी कड़े कर दिए हैं। अब विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एक सप्ताह के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। होम क्वारंटीन का नियम आज से लागू हो गया है। नए नियम के तहत विदेशी यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन से गुजरना होगा। भारत आगमन के 8वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें कहीं आने जाने की छूट मिलेगी। वहीं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस नियम से छूट दी गई है। अगर उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तभी उनका टेस्ट किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 30 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में एक दिन में कोविड संक्रमण का विश्व रिकॉर्ड टूटा, जब कल एक ही दिन में करीब 13 लाख लोग संक्रमित हुए। इससे पहले इस साल 3 जनवरी को एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 10,30,000 दर्ज हुई। हालांकि कोरोना का नया वेरिएंट कम घातक है। नए वेरिएंट के संक्रमण से अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीजों को लेकर चिंता बनी हुई है। पिछले 3 सप्ताह में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 2 गुना बढ़ गई है। वहीं जनवरी के पहले हफ्ते में समूचे यूरोप में कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के 70 लाख से अधिक नए मामले सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूरोप के निदेशक डॉक्टर हेन्स क्लूग ने कहा है कि यूरोपीय क्षेत्र के 26 देशों में प्रत्येक सप्ताह 1% से ज्यादा आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रही है, जो चेतावनी देती है कि देशों के लिए अस्पतालों में कोविड मरीजों की बाढ़ रोकने के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। उन्होंने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स के अनुमानों का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम यूरोप में आधी आबादी अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगी। कोविड-19 के प्रकोप के चलते चीन के 3रे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे देश में घरों के अंदर बंद रहे निवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि अन्यांग शहर में लॉकडाउन कितने दिन तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि एक नोटिस में ये कहा गया है कि ये बड़े पैमाने पर जांच के लिए लगाया गया है। नोटिस में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जांच प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी। शहर की आबादी 55 लाख है। इसके अलावा शियान में 1.3 करोड़ लोग और युझोंग में 11 लाख लोग लॉकडाउन के तहत हैं। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में कोविड के मामले बढ़ने के बाद सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने फरवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। साथ ही 12 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं 17 जनवरी से सरकारी कार्यालयों, होटलों, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, घरेलू उड़ानों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए टीकाकरण कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। बिल्स पास बाय पार्लियामेंट, रोज इन फेवर रूप से आए, रोज अग्रेसिव रूप से अनोम। आई थिंक द आई सेव इट, आई सेव इट, आई सेव इट, द बिल इज पास। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में जिनने हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष। लॉज दैट गवर्न द कंट्री, हाउ विल दे अफेक्ट अस? लेट आवर टॉप एक्सपर्ट्स टेल यू ऑल अबाउट देयर इंपैक्ट एंड इंप्लिकेशंस इन बिल्स एंड इनसाइट, ओनली ऑन संसद टीवी। The financial clock strikes again. The budget of the nation by the economic biggies of the country. A detailed report on every economic activity. The analysis and the outlook. I present the budget. Watch Budget Special only on Sunset TV. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आज से घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी के नेता घर घर पहुंचकर लोगों तक बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग की रैलियों पर पाबंदी के बाद बीजेपी के नेता घर घर प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। साथ ही राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा 6 वर्ष बढ़ा दी गई है। इसे 38 वर्ष कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाई। उन्होंने पात्र लोगों से भी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। तमिलनाडु में कोविड 19 के केस बढ़ने के साथ ऑक्सीमीटर और टेस्टिंग किट्स की डिमांड बढ़ गई है। सरकार की ओर से कंटेनमेंट जोन में लोगों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीमीटर बांटने के साथ टेलीकॉलर सेंटर का जायजा लिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया है। दोनों कांग्रेस की ओर से आयोजित पदयात्रा में शामिल हुए थे। पदयात्रा में उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम टूटते दिखे। भारत रत्न और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना की चपेट में आ गई हैं। उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लता मंगेशकर में कोरोना के कम लक्षण पाए गए हैं। हॉस्पिटल अथॉरिटी का कहना है कि लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचा लिया गया है। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की एक टीम कालिका कुमटी गांव पहुंची और बर्फबारी में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आंध्र प्रदेश में सरकारी बसों को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने अगले 2 साल में नए सरकारी बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला लिया है। कोविड 19 की वजह से प्रदेश में केवल 50% क्षमता के साथ बसों को चलाया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति में अंतिम रूप देने से पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। चुनावी रणनीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं के अलावा 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए जाने और डिजिटल रैली करने संबंधी निर्वाचन आयोग के आदेश के मद्देनजर चुनाव प्रचार के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल हुए, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डिजिटल माध्यम से बैठक में शरीक हुए। राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में इस बार 7 चरणों में चुनाव होना है। नौसेना ने आज से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पश्चिम तट पर तैनात लड़ाकू युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से इसे दागा गया। DRDO के मुताबिक मिसाइल ने सटीक तरीके से तय लक्ष्य पर निशाना साधा। मिसाइल का यह समुद्र से समुद्र में मार करने वाला संस्करण था।
परीक्षण के दौरान इसने अधिकतम दूरी पर जाकर लक्षित पोत पर सटीक वार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई देते हुए कहा कि मिसाइल के सफल प्रक्षेपण से भारतीय नौसेना के मिशन संबंधी तैयारियों की दृढ़ता स्पष्ट हुई है। और निर्यात के मोर्चे पर देश के लिए नए साल की शुरुआत अच्छी रही है। देश का वस्तुओं का निर्यात नए साल के पहले 7 दिन यानी कि 1 से 7 जनवरी के दौरान 33.16% से बढ़कर 7.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और रत्न आभूषण समेत विभिन्न क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन से निर्यात बढ़ा है। पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 5.73 अरब डॉलर रहा था। जनवरी के पहले सप्ताह में आयात भी 33% बढ़कर 11.60 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एक साल पहले समान अवधि में ये 8.72 अरब डॉलर था। मंत्रालय ने यह भरोसा जताया है कि वृद्धि की इस मजबूत दर से चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। दिसंबर 2021 में देश का वस्तुओं का निर्यात सालाना आधार पर 37% बढ़कर 37.29 अरब डॉलर रहा था। मरीज का जीवन बचाने के आखिरी प्रयास के तहत अमेरिकी चिकित्सकों ने उसमें एक सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया, जो चिकित्सा जगत में पहली बार प्रयोग किया गया। मैरीलैंड के एक अस्पताल में अत्यधिक प्रयोगात्मक इस ऑपरेशन के 3 दिन बाद भी मरीज की तबीयत ठीक है। हालांकि ऑपरेशन की सफलता के बारे में अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जीवन रक्षक प्रतिरोपणों में किसी जानवर के अंगों का इस्तेमाल करने को लेकर जारी दशकों पुराने अनुसंधान की दिशा में ये एक कदम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के चिकित्सकों ने कहा है कि ये प्रत्यारोपण ये दर्शाता है कि अनुवांशिक बदलाव के साथ जानवर का हृदय तत्काल अस्वीकृति के लक्षण दिखाए बिना मानव शरीर में कार्य कर सकता है। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के पशु से मानवों में प्रतिरोपण कार्यक्रम के वैज्ञानिक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन के मुताबिक, अगर ये ऑपरेशन सफल रहता है तो पीड़ित मरीजों के लिए इन अंगों की अंतहीन आपूर्ति होगी। और कश्मीर में जारी चिल्लई कलां के बीच भारी बर्फबारी जारी है। पारा 0 से नीचे चला गया है। कड़ाके की ठंड ने जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुलमर्ग में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 10.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद भी अभी तक जीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया। राजधानी शिमला में हालांकि सभी सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं, लेकिन सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। इधर उत्तराखंड के केदारनाथ में हिमपात जारी है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री यमुनोत्री धाम बर्फ से ढके हैं। यमुनोत्री घाटी में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ों में जारी बर्फबारी ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वे एक महान सत्यनिष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनके द्वारा किया गया जय जवान जय किसान का नारा लोगों के मन में गूंजता रहता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करके कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन और उच्च नैतिक मूल्य हम सभी के लिए सदैव प्रेरक आदर्श रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बांस से बनाई गई फ्लावर पॉट और पेंटिंग के साथ। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।